चलो यार भाई, अभी ना यहाँ पर ढाबे के लिए रुके हैं, बट देखो जैसा कि मेरा ना फास्ट है तो मैं तो खाऊंगा नहीं, बट जैसा कि हमारा 75 हार्ड है, सुबह का वर्कआउट ना मैं यहीं पे कर लूंगा। हाँ भाई यतिन भाई, जय बाबा की, जय बाबा की, जय श्री राम। मॉर्निंग वर्कआउट हो गया तो अपना 75 हार्ड नहीं टूटेगा, ये जरूरी है सबसे ज्यादा। हेलो एवरीवन, इट्स डे 22 ऑफ माय 75 हार्ड और आज का दिन बहुत मस्त है क्योंकि आज मैं सुबह उठाऊँ 3 बजे। हाँ ये सच है, मैं सुबह सुबह 3 बजे उठाऊँ क्योंकि आज हमें जाना है खाटू श्याम बाबा जी के पास अपने राजस्थान पे। हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? अभी हो रहे हैं बिल्कुल सुबह के 3 और मैं निकल गया हूँ अपना हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा, हम निकल रहे हैं भाई खाटू श्याम आज और फुल मजे होंगे, मज़ा आ जाएगा। अभी मैं निकल रहा हूँ, मेरे पास दो मतलब लाइक होम स्वीट्स के 2 मिठाई के डब्बे, वो भी मैं साथ में लेके जा रहा हूँ अपने दोस्तों को दे दूंगा। चलो तो सबसे पहले मैं घर से निकला अपना नहा धो के और अपने दोस्त से मैंने मिला और उसको मैंने बोला हारे का सहारा। चलो भाई गाड़ी आ गई हमारी, अब हम निकल रहे हैं, ये देखो पीछे। ऑलराइट भाई लोग, अभी जस्ट हम ना टोल प्लाजा के आगे थोड़ा सा रुके थे, थोड़ा सा कमर वमर सीधी करने के लिए, बस अभी जा रहे हैं। सारे भाई लोग खड़े अपने ये टोल के यहाँ पे, देखो भाई सूरज वूरज भी निकलना स्टार्ट हुआ है अब, और हम भी चल रहे हैं वापस गाड़ी में बैठ के, थोड़ा सा कमर सीधी कर देते। चलो यार भाई लोग, अभी ना यहाँ पे ढाबे के लिए रुके हैं, बट देखो जैसा कि मेरा ना फास्ट है तो मैं तो खाऊंगा नहीं, बट जैसा कि हमारा 75 हार्ड है, सुबह का वर्कआउट ना मैं यहीं पे कर लूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, बस अपने नॉर्मल पुशअप्स कर लूँगा और हो सके तो थोड़ा एब्स की एक्सरसाइज कर लूँगा, वो ज़रूरी है। ये अपने भाई लोग आ रखे हैं। हाँ भाई यतिन भाई, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे भाई, राधे राधे। चलो भाई सुबह कहाँ गया? आ रहा है। कमांडो पुशअप मार रहा है यतिन। जय बाबा की, जय बाबा की, जय श्री राम। अपना भाई मॉर्निंग वर्कआउट हो गया है तो अपना 75 हार्ड नहीं टूटेगा, ये जरूरी है सबसे ज्यादा। अब चल रहे हैं अपना, कहाँ जा रहे हैं भाई? खाटू श्याम जा रहे हैं भाइयों, आगे तो होता भाई, अगली बार आप हमें ज्वाइन करो। हाँ हर महीने जाते हैं। अच्छा मैंने तेरे को एक बात बंदी बताई, अपनी टीम में एक बंदी जुड़ गई है बांटने वाली में, जयपुर से। अच्छा कौन? मतलब मजाक से नहीं, सही में एक मेरी MIT की फ्रेंड थी, उसने बोला मैं जयपुर में करूंगी, हम कोलैबोरेट करेंगे। फिर हम अपना खाटू श्याम के रस लिए रस्ते में और बीच में थोड़ा बहुत हमने डांस करा। जय श्री राम, हारे का सारा, खाटू हमारा। तो बीच में मेरे दोस्त एक बहुत फेमस जगह कचौड़ी वाले के पास रुके और वहां जाके उन्होंने कचौड़ी, ब्रेड पकोड़े और साथ में और भी बहुत सारी चीजें खाई और मैंने सिर्फ इनका मुंह देखा, बट कोई दिक्कत नहीं। चलो यार भाई लोग, अभी ना बहुत देर इतनी गाड़ी में चलते चलते अभी यहाँ पे उतरे हैं एक कचौड़ी वाले पे। हाँ भाई भूख लगी, 15 सालों से अरुंधिर बांध पे बहुत अच्छी कचौड़ी है। ये देखो भाई बढ़िया बढ़िया कचौड़ी बन रही है। क्या क्या ले रहे हो भाई? एक ब्रेड, एक समोसा। कैसी है भाई? वाले मैं तो देख ही सकता हूँ। फिर क्या हुआ उसके बाद? एकदम बढ़िया, जो इनके पिताजी का वही तस्वीर अभी थी, बहुत बढ़िया भाई। चलो यार भाई अब चलते अपना खाटू श्याम बाबा के। तो हमने बहुत दूर कार पार्किंग में लगा दी क्योंकि तो अभी बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, तो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर तक अपन पैदल पैदल चलेंगे, उसके बाद आगे जाके मतलब लाइक जैसे भी होगा जो होगा वो तो देखेंगे, बट जय खाटू श्याम बाबा की। हाँ
खाटू श्याम बाबा का मार्च चलता है, गुलाब का फूल और इत्र, तो ये दोनों हमने ले लिए, तो अभी ये हम बाबा को चढ़ाएंगे। अभी भाई लोग लगभग 4 किलोमीटर हो गया चलते चलते, एंड बताऊँ तो ऐसे पता भी नहीं चल रहा है कि बहुत देर हो गई है, तो मैं अप्रॉक्सीमेट टाइम लगा कि 4 किलोमीटर अभी हमें हो गए हैं चलते हुए। अभी देखो और कितना दूर है, देखती हमारे भाई लोग जा रहे हैं। हाँ भाई, हारे का सहारा। तो भाई लोग देखो वहाँ से वो देख रहे हो, वो जा रही है एंट्री, वो पूरी एंट्री है अभी, लेकिन अभी हमें आगे से और आगे से जाके उस तरफ से निकलना है ना। तो अभी चलना तो है बहुत ज़्यादा। दर्शन हो गए, बहुत कम पीरियड का, बहुत कम टाइम मिला हमें वरी नहीं दर्शन करने के लिए, बट पर अब हम जा रहे हैं सांसार और वहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर और दूर है। तो बस, और भैया कैसे हो, बढ़िया, क्या बना रहे हो, अभी चाय बना रहे हो? अरे भाई खतरनाक, अरे वाह। चलो यार भाई लोग, अब हमने ना अब यहाँ से पार्किंग तक के लिए रिक्शा कर ली है, तो हमें ये भाई हमारे छोड़ेंगे। हाँ भाई, क्या हाल है? जय श्री श्याम भाई। जय श्री श्याम। तो आप कितने टाइम से कर रहे हैं आपका? मेरे को सर मैं 20 तारीख से लग रहा हूँ अभी। 20 तारीख से? हाँ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। पहले क्या कर रहे थे? घंटे पहले खेती का काम है मेरा। अच्छा अच्छा, चलो यार भाई लोग, अब हम आए हैं सालासर बालाजी महाराज की जय हो। तो भाई हम चलते रहे। हाँ भाई, क्या व्लॉग बनाऊं? बोल सालासर महाराज की जय। देखो भाई, यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है, जैसे बंटा वंटा मिल रहा है, एमी पे बंटा मिल रहा है, दुकान है, छोटे मोटे आइटम मिलते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया अंगूठी वहाँ से, खाटू श्याम यहाँ से, तो यहाँ से गधा भी लेंगे हमारे बोलू भाई। तो भाई ये रहा श्री बालाजी मंदिर सालासर धाम। नमस्कार भाइयों सारों, बालाजी मंदिर में बाहर खड़े हैं, बहुत अच्छा, एकदम पीसफुल एक्सपीरियंस काफ़ी। तो भाई मैंने देखो नारियल और बूंदी, क्योंकि हनुमान जी को बूंदी अच्छी लगती है, तो मैंने बूंदी का लड्डू और साथ में ले लिया है अपने नारियल। भाई लोग देखो, पता है इस यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब लाइन को, भीड़ को बाइफरकेट करने के लिए इतनी बड़ी लाइन की, मतलब एक पूरा पजल जैसा बना रखा है ना, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लाइक कोडिफाई दैट थिंग, कि भाई कैसे निकलना है उसमें से। चलते जा रहे पता भी नहीं चल रहा हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसा ना हो चलते चलते जाओ और पता चले कहीं और ही हम पहुँच गए। जैसे ही मैं बालाजी महाराज के पास पहुंचा, लेकिन वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने बोल दिया भाई कैमरा को आप यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं वहां पे तो वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन बहुत प्यारे मेरे दर्शन हुए, साथ ही साथ हमने बालाजी महाराज को बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाया, और जिसका भोग आप भी लगा सकते हो, प्रसाद खा सकते हो। भाई मेरा तो फोन जमा कर लिया, अभी तक नहीं दिया। भाई का फ़ोन भी ले लिया, अब दे नहीं रहे हैं, अभी करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपका करवा देंगे फोन। अरे मजाक कर रहा है। अब हम घर की तरफ निकलेंगे, बीच में शायद इन लोगों ये लोग खाने के लिए रुकेंगे, क्योंकि मेरा तो फास्ट है, मैं तो खा नहीं सकता, बट ये भाई अपने भूख लग रही होगी भाई। मजा आया, अद्भुत आनंद, बड़ा पीसफुल टाइम था ये। भगवान का 5 मिनट दर्शन हुए, 3 घंटे लाइन में लगने के बाद स्टिल जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो सालासर से हम जैसे निकल रहे थे, तो मेरे दोस्त के दिमाग में खुराफाती आइडिया आया, और उसने बोला भाई अब करते हैं छोटा सा प्रैंक अपने दोनों दोस्तों के साथ। क्या हुआ सब, ठीक है सब, अंजर पंजर ठीक है? मजा
ग्रैंड सक्सेस। तो विक्की को भी बता दे वाली बात जो तूने अभी बताई था। हाँ तो दोस्तों मैं भी विक्की को भी वो बात बताने जा रहा हूँ जो मैंने सबे को बताई वो वाली बताई सब पिएगा। All right, भाई अब हम चल रहे हैं घर के लिए वापस। बीच में एक बार रुकेंगे मैंने ऐसे बता दिया है देखिए। भाई लोग अभी देखो पता क्या है यहाँ पे अभी रुके हैं ये सारे अपना गोलगप्पे खाने के लिए। झुंझुने के गोलगप्पे सबसे अच्छे मशहूर गोलगप्पे सुभाष चाट भंडार। हाँ वो ऑल इन इंडिया। हमारा कूपन कोड यूज करोगे ना तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। भाई हमारा कूपन कोड करेंगे तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? कितना डिस्काउंट दोगे? डिस्काउंट वाले काम नहीं है कह रहा एक पापड़ी खिला दूंगा सौंठ की। ये डिस्काउंट है एक पापड़ी खिला दोगे भाई? झुंझुना हमारा कोड यूज करो। ऑल राइट भाई लोग अभी ना ये अभी सारे भाई लोग रुके हैं रनिंग मतलब वो डिनर करने के लिए तो अभी लेकिन देखो मैं तो कुछ खा नहीं सकता हूँ तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं ना क्योंकि हमें घर पहुँचने में लगभग 11-12 बज सकते हैं तो मैं आई वॉज थिंकिंग कि मैं थोड़ी देर अभी यहीं पर इनको जितना टाइम लगेगा खाना खाने में मैं इतने रनिंग कर लेता हूँ थोड़ी अपनी एक्सरसाइज कर लेता हूँ है ना। ऑलराइट भाई लोग अभी घर आ गया हूँ। हालत इतनी खराब हो रखी है क्या बोलूँ बट अभी बुक रीड करना जरूरी है नहीं तो 75 हार्ट टूट जाएगा मेरा। 75 हार्ट को मैंने बचाने के लिए बहुत करा भाई लेकिन अभी बुक रीड करना जरूरी है मेरी। देखो आंखें भी ऐसी हो गई है शुरू से कुछ खाया भी नहीं है ना। एक मैं घर जाने से पहले मैंने अपना वेट देखा था वो बहुत कम था। अभी बैठते हैं पहले बुक रीड करते हैं उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। मेरी हालत तो बहुत खराब हो रखी थी मन बिल्कुल नहीं था लेकिन 75 हार्ट को ब्रेक ना करूं इसीलिए मैंने अपनी सेल्फी भी ले ली और उससे पहले मैंने अपनी पढ़ ली बुक आर्ट ऑफ स्टार्ट 2.0 और उसमें हमने आज पढ़ा इफ यू वांट टू बूटस्ट्रैप योर ऑर्गेनाइजेशन देन अंडरस्टाफ इट। आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा था वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अलग मस्ती करते हुए। बाय सी टाटा लव यू और हाँ खुशियाँ बांटते रहना। राधे राधे। आज हम आए हैं अपने गौशाला। गौदान सबसे बड़ा धर्म होता है तो आज हम आए हैं गौ माताओं में थोड़ा बहुत कुछ दान करने के लिए। गाय रील बनाने वालों को सिंह मारती है। भाई लोग बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोग भी भाई आओ यहाँ पे गौ माता सेवा करो। सेवा ही हमारा धर्म है और धर्म से उच्च कुछ नहीं। गौ माता की जय। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। हर महादेव।